이거는 야채. 먹어 먹어 빨리 다 먹어 이들아 먹어 이들 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 먹어. 라이트. 어 뭐야 뭐야. 우리 गर्दन कटी हुई है, गर्दन पहनाई दिया दाढ़ा ही। ये देखिए लाशें पड़ी हैं, क्या पड़ा? ओए, ओए, कसर, ये औरतों के कपड़े इतने, ये लोगों के कपड़े पड़े हैं, अल्लाह हू अकबर। कौन है यहाँ पर? सब ये क्या खड़ा है? और फिर वही चीज नीचे उतरी हुई है, वही ब्लड, वो देखो वाइट खून भी है ऊपर, देखो यार। पर ये क्या होगा यार? काशिफ साहब ये हमारी तरफ आ रहा है यार, इतना बड़ा साइन। जी दोस्तों, आपने प्रोमो देखा है और इंतहाई खतरनाक प्रोग्राम ये हमने रिकॉर्ड किया और बहुत ही मसले मसाइल हुए यहाँ पे, क्योंकि इसी जगह पे आपने देखा होगा कुछ लोग आ जाते हैं बाइक पे, वो आके बताते हैं कि वो जो है यहाँ पे औरत का कत्ल हुआ है और उसकी गर्दन जो है ना वो लोग साथ ले गए। और उसके बाद भी हमने हम इसलिए गए थे कि इस ये जो जंगल है इसको हम क्लियर करके आएँ, और जो प्रोग्राम हमने रात को अपलोड किया है वो तो रमज़ान शरीफ से पहले जो है वो हम शूट कर चुके थे। जैसे मैंने बाबा जी वाली वीडियो बनाई थी वो उसी दिन की है, आपने देखा होगा कि बाबा जी वाली वीडियो की और जो लास्ट प्रोग्राम अपलोड हुआ है उसकी शर्ट मेरी एक ही है। तो आप सोच रहे होंगे मैं इस तरह क्यों सोया हुआ हूँ, शदीद तबीयत ख़राब है और हालत इस कदर ख़राब है कि पूरा दिन मैं कोशिश कर रहा था मैं उठ के बैठ के जो है मैं अपना क्या कहते हैं अपना उठ के बैठ के मैं लिंक रिकॉर्ड करवा दूं, लेकिन वो नहीं हो सका। दोस्तों बस एक दो बातें ज़रूरी करनी थी। पहली बात तो ये है तबीयत बहुत ख़राब है मेरी भी, काशिफ भाई की भी, और आपसे गुजारिश है कि आपने दुआ करनी है अल्लाह पाक हमें शिफा अता फरमाए। और उसके अलावा अगर कुछ हो जाता है ऐसा, क्योंकि ज़िंदगी इंसान के बस में नहीं होती, अल्लाह के बस में, तो मेरे इस पेज पर पे या मक्स 9 TV पे मेरा फैमिली मेम्बर कोई अगर प्रोग्राम करेगा तो आपने उसको भी सपोर्ट जो है ना वो करते रहना है। तबीयत मेरी जो है ना इंतहाई नासाज है। और एक और गुजारिश है, हमने इतना ख़तरनाक प्रोग्राम किया उसके बाद वो जो जराइम पेशा लोग थे जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो एक तो इतना बड़ा साइन आया सामने, वो एक उड़ती हुई जैसे एक बंदे का होता है कि हाफ टांगे नहीं है ऊपर का धड़ है और वहाँ से बिल्कुल सामने क्लियर मैदान के अंदर, ये नहीं है किसी दरख्त के ऊपर या दीवार के साथ छुपा के दिखाया है या किसी डंडे से कोई चीज़ बंधी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल क्लियर चीज़ रिकॉर्ड हुई है। फिर वहाँ पे फैमिलियों के कपड़े पड़े होना, बड़ी सारी चीज़ें थी। तो आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम को लाजमी लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। दोस्तों बात यह है कि हम प्रोग्राम कर के अब ना थके हुए हैं, जिस कदर मुश्किल हो रही है अब मेरा जो है ना एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने पर 15 से 16 हज़ार खर्च होता है, मसलन $100 ना, और उसके बाद मतलब उसको एडिट करना, फिर उसको सारा उसका थंबनेल बनाना, काफ़ी प्रोसेस होता है। और जो हमारी अर्निंग होती है 50-60 हज़ार 70 हज़ार व्यूज़ होते हैं जिसपे $30-40 आते हैं, और हमारा बिल्कुल ही गुजारा नहीं हो रहा, बड़ी परेशानी है, और हमारा जो काम है वो ख़त्म हुआ हुआ है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है, इतना ख़तरनाक हमने जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है इसको भी आपने देखना है लाजमी, और कम से कम हमारे जो है ना 5 लाख अपना सब्सक्राइबर करवाएं यूट्यूब पे, ताकि हमारी जो अर्निंग है वो बेहतर हो। हमारी 150 कोई वीडियो 1.5 लाख पे चली जाती है तो उस पर आप देखेंगे $100 आएगा, और 15 हज़ार 16 हज़ार पे हर प्रोग्राम पे खर्च नहीं होते, कभी 2 होते हैं तो उसमें थोड़ा कम भी हो जाते हैं, लेकिन औसत इतने खर्च होते हैं। तो आपसे गुजारिश है आपने ये प्रोग्राम कम्प्लीट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, और जो फेसबुक पे दोस्त हमें देख रहे हैं उन्होंने प्रोमो देखा है, माशाल्लाह 1 मिलियन होने वाले हैं फॉलोअर। गला भी शदीद दुख रहा है और नमाज भी जुमे की नहीं पढ़ सका आज, बड़ी ख्वाहिश थी कि पूरी नमाजें पढ़ूंगा, रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें। मक्स 9 टीवी का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। इस प्रोग्राम को हम तब अपलोड करेंगे जब हमारे 5,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आप हैरान होंगे, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा साइन और इतना बड़ा ख़तरनाक प्रोग्राम किसी ने नहीं किया होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी ने नहीं किया होगा। इस प्रोग्राम को अपलोड करेंगे, हमारे अगर 5,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं यूट्यूब पे, जितने भी फेसबुक पर देख रहे हैं सारे दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे भी आ रहा है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, या MUX9 लिखकर आप विज़िट करके उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे 5,00,000 हो जाएं। उसमें जब हम वीडियो अपलोड करें तो यार कम अज़ कम इतनी अर्निंग हो जाए कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उसके अलावा भी हमें कुछ बच जाए। उसके अलावा तो कुछ बचता नहीं है, वही एक्सपेंसेस ही मुश्किल से पूरे होते हैं। लोग ये भी समझते हैं यार लाखों रुपये कमा रहे हैं, और यकीन करें, आप यकीन करें, ऐसा लगता है कि हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में मेरे साथ ये हाल हो रहा है। मेरा जिस्म टूट जाता है, वीकनेस इतनी ख़तरनाक हद तक होती है। आप यकीन करें, मेरा फ़ोन बंद है, मुझे काफ़ी सारे मैंने क्या कहते हैं उसको कॉल डाइवर्ट पे लगाया हुआ है, और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही वो कर रहा हूँ। तो हिम्मत नहीं है मेरी किसी फ़ोन उठाने की, तबीयत मजबूरी से अब इस तरह का लिंक कर रहा हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है, आपसे हमें तावन चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत, आपका तावन हो हमसे, कुछ हमें भी अर्निंग हो, हमें फ़ायदा हो प्रोग्राम करने का। हमारी अगर वीडियो डालते हैं कम से कम 2-2.5 लाख लोग तो उसको देखें। अब रात हमने एक वीडियो डाली थी, उसको आप देखें, अभी तक 50-60 हज़ार उसके व्यूज़ हैं यूट्यूब पे। तो मतलब फेसबुक पे तो हमें 1 रुपया भी अर्न नहीं होता, चाहे वो मिलियन में वीडियो जाती है। वो तो मैं इसलिए डालता हूँ कि जो लोग जिनके पास वाईफाई नहीं होता, MBs कम होते हैं, वो जो है उस प्रोग्राम को दे सकें। उधर से पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है फेसबुक, 1 रुपया भी नहीं आता। और YouTube पे यही सूरत हाल है कि 50-60 हज़ार या 1 लाख तक वीडियो जाती है, उसका $100 आता है और इतने खर्च हो जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है, जितने भी दोस्त हमें प्यार करते हैं, सबसे पहले दुआ करनी है, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोशिश करें हमारे 5,00,000 तक सब्सक्राइबर पहुँचवाएँ। और किसी की कभी भी मैंने कोई मेरी बुरी बात लगी हो किसी बहन भाई को, या हमारी टीम जो है वो कभी कभी फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई सख्त कमेंट्स करता है कोई भाई, तो उसको ज़रा सख्त जवाब दे देते हैं, तो आपने माफ़ कर देना है, नाराज़ नहीं होना। इंसान की ज़िंदगी का एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। यकीन करें, ऐसा लगता है कि बंदा कहाँ से होके आ जाता है, बचते भी हैं नहीं बचते, ऐसी सूरत हाल हो जाती है। तो दुआ करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है, बिनती है, और ताकि हमारा जो ये सिस्टम है हम इजीली प्रोग्राम करते रहें। और ये भी दुआ करें मेरे लिए कि मैं ठीक हो जाऊँ, और जल्द से जल्द आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो है वो शूट करके लाता रहूँ, और आप इसी तरह इन्जॉय करें। आप जहाँ पर भी हैं खुश रहें, अल्लाह पाक हमारे रोज़े कबूल फरमाए। उन जिन लोगों के रोज़े उसको कबूल हैं, जो अच्छे लोग हैं जिनकी इबादत उसको कबूल है, उनके सदके चलो हमारे रोज़े भी कबूल फरमा ले। बाकी बाबा जी के पास भी इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, और कोई सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि उनकी ईद से पहले पहले बाबा जी की लाइफ को थोड़ा चेंज किया जा सके। वो मैंने प्लानिंग की हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। पहले दुआ करें मैं ठीक हो जाऊँ, और फिर हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ 5,00,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचवाएँ। हमारे खर्चे जो है ना वो बिल्कुल नहीं निकल रहे, हम बड़े परेशान होते हैं। जितने व्यूज़ आ रहे हैं इससे हमारा सिस्टम नहीं चलता, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि और बिज़नेस है नहीं, और कोरोना की वजह से सारा बिज़नेस बंद हुआ हुआ है। तो इस पे मैं कितने पैसे लगाता रहूँगा, क्या करूँगा। अब आपसे तावन की ज़रूरत है, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।